क्वेश्चन ये है, भगवान ने हमें एक ऐसा गिफ्ट दिया है जो बड़ा कॉस्टली है बट फ्री है, ठीक है, सोच। सोच से ही इंसान बनता है, राइट, ठीक है। तो एक बार आप क्या करेंगे, बैठे बैठे आपको क्या करना है, एक फिंगर से क्लैप करना है। क्या करना है, एक फिंगर से क्लैप। कैसे करना है, आप लोग अपने हाथों को ऊपर करिए, ऐसे हाथों को ऊपर करिए, एक फिंगर से क्लैप करिए, ओके। अब दो फिंगर से करिए, अब तीन से, अब चार से, अब पांच से, वेल वेल। कितने तरह का होता है, दो तरह का, एक वो अंदर से है और एक वो जो दिखता है बाहर से, राइट। देखते हैं, बढ़िया, ज्यादा ही फ्रेंक नहीं होगा ये लोग तो। चलो आपने अच्छा किया, स्टार्टिंग अच्छी थी, लेकिन इसको ना थोड़ा सा आपने बहुत फास्ट कर दिया है ना। आप लोग जैसे मिल रहे हो ना, ये जो मीटिंग है, ये लोगों ने कैसे कर दी, ज्यादा फास्ट कर दी। इसको हम थोड़ा सा सिंसियर तरीके से करते हैं। अब मैं आपका दोस्त हूँ, कौन हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है, मैं आके आपसे मिलता हूँ, ठीक है। अब मैं इनसे मिलता हूँ, मैं कैसे इनसे मिलता हूँ, ठीक है। क्या नाम है आपका, हेमराज ना, ओके, मेरा नाम संदीप है, पता है, ठीक है, हाय। देखो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी इंसान से मिलते हैं, चाहे वो अजनबी हो चाहे पहचान वाला हो, क्या होता है, ग्रीट होता है। क्या होता है, ग्रीट। अब ग्रीटिंग अलग अलग तरह से हो सकती है। ये हमारे फ्रेंड है तो हम क्या करेंगे, इनसे हैंडशेक करेंगे, ज्यादा होगा तो जप्ती भी कर लेंगे, राइट। और अगर कोई डिस्ट्रैक्टेड है, जैसे सर है, मैम है, तो हम क्या करेंगे, ग्रीट में नमस्ते करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इनसे ग्रीट किया। लेकिन हम लोग गलती क्या करते हैं, ग्रीटिंग में ही सबसे ज्यादा गलती होती है। जैसे इनसे हम ग्रीट करेंगे तो कुछ लोग हाथ कैसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, हाय, ये हाथ मिलाना होता है। मतलब किसी की भी बॉडी लैंग्वेज से आप पता कर सकते हैं कि सामने वाले के पास कॉन्फिडेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले जो गलती होती है, ऐसे हैंडशेक कभी नहीं होता है। हैंडशेक कैसे होता है, स्ट्रेट तरीके से, थोड़ा सा हाथों को कड़क करके। दूसरा, जिस हाथ से हम हाथ मिला रहे हैं उस साइड का जो पांव है ना, वो आगे आना चाहिए, क्या, उसी साइड का पांव आगे आना चाहिए। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसको ऐसे मिला रहे हो और उस साइड का आपका हाथ आगे आ रहा है और पांव भी आगे आ रहा है और एक जो हाथ है ये पीछे चला जाता है। कॉर्पोरेट में तो क्या होता है, हाथ मिलाते समय तीन बार हिलाते हैं, इतने में हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है और हम हाउ आर यू बोल देते हैं, हाय हाउ आर यू, राइट। तो हाथ ऐसे मिलाना है कि सामने वाले को फील हो कि कॉन्फिडेंस है या नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, पहले हमने किया ग्रीट, ग्रीट मतलब होता है कनेक्शन, एक कनेक्शन बिल्ड कर लिया। अब क्या होगा, हम अपना पर्पस शेयर करेंगे कि मैं किस पर्पस से आया हूं आपसे मिलने के लिए और मुझे क्या बोलना है। तो पहली चीज आप लोग समझ गए कि किसी से भी मिलो सबसे पहले क्या होगा, ग्रीटिंग। दूसरे नंबर पे क्या होगा, पर्पस शेयर करेंगे, राइट। फिर अगेन जब जाते हैं तब भी हमें ग्रीट करके ही जाना, राइट। तो ये होता है तरीका किसी से भी मिलने का। थैंक यू सो मच, आप लोग बैठ जाइए। कहने का क्या मतलब, इंटरव्यू के दौरान आपकी जो डिग्री है ना, वो तो आपके लिए एलिजिबल है कि आप वहां पर पहुंच गए हो। लेकिन दूसरी चीज क्या देखी जाती है, पहले तो कॉन्फिडेंस देखा जाता है, दूसरा क्या दिखता है, स्किल, क्या दिखता है, स्किल, फिर क्या दिखता है, नॉलेज, फिर क्या दिखता है आपका, फोकस, फिर क्या दिखता है, विजन, फिर क्या दिखता है, पॉजिटिव एटीट्यूड, फिर क्या दिखता है, डेडिकेशन, फिर क्या दिखता है, लीडरशिप एंड ऑनेस्ट। ये क्वालिटी देखी जाती है आपके अंदर, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये क्वालिटी आपके अंदर दिखनी चाहिए। नेक्स्ट करो, यहां पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा है द एबीसी ऑफ ग्रूमिंग। एक फॉर्मूला देके जाता हूं आपको, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है तो ज्यादा चीजें समझने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्मूला है एबीसी, क्या है एबीसी, एबीसी तो आप समझ रहे हैं कि हम लोग पढ़ के आ गए, राइट, वो वाले एबीसी नहीं है, यहाँ पर दूसरा है ए फोर। यहाँ पर क्या है, अपीयरेंस, क्या है अपीयरेंस, बी फोर क्या है, बॉडी लैंग्वेज, क्या है बॉडी लैंग्वेज, सी फोर क्या है, कम्युनिकेशन, राइट। तो हम एबीसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं वियर फॉर्मल क्लॉथ। इंटरव्यू की तैयारी के लिए सबसे मेन चीज जो होती है ड्रेसिंग होती है आपकी, और हम लोग सोचते हैं जो हमारे पास है वही पहन के चले जाना है। तो कपड़े कैसे पहनना है हमको, कपड़े दो तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एक होते हैं फॉर्मल, एक होते हैं कैजुअल्स। अभी आप लोग कौन से पहने हो, फॉर्मल। अब सोचो
जैसे अभी आप लोग ड्रेस में हो, शाम को किसी फ्रेंड की शादी है, तो ये ड्रेस पहन के चले जाओगे? बोले इतना भूखा है सीधा यहाँ पे। कहने का क्या मतलब है, हमें पता है जगह सिचुएशन को भी अवॉइड करना चाहिए। और लिखा है नेक्स्ट एंड कट, ये फेस पे हो गया, गेट हेयर कट फ्रेश एंड क्लीन लुक। कुछ लड़के क्या करते हैं कि जैसे कल इंटरव्यू है और वो आज शाम को कटिंग करा लेते हैं, क्या करते हैं आज शाम को कटिंग करा लेते हैं। तो आप देखना कि कटिंग से एक दिन पहले ना, जब आप कटिंग कराते हो तो थोड़ा सा ऑड लगता है फेस, है ना, तो आपको उसके 4-5 दिन पहले कटिंग करानी है, एक दिन पहले नहीं करानी है, 4-5 दिन पहले करानी, जिससे आप फ्रेश लगोगे बिल्कुल, राइट। नेक्स्ट मॉइस्चराइजर फेस वेल, यानी कि अपने फेस को क्लीन करके ही जाना है, साफ सुथरा लगना चाहिए। अब देखो ऐसा है कि भगवान ने जैसी शक्ल दी है ना वैसे ही रहेगी, नहीं बदलेगी ना, लेकिन उसको साफ सुथरा तो रख सकते हैं भाई, रख सकते हैं ना। हाँ, क्लीन सेव बिफोर मीटिंग, ये तो समझ में आ गया ना कि सेव करके ही जाना है। नेक्स्ट करो, तो ये पूरा अपीयरेंस का पूरा मतलब समझ गए आप लोग कि हमें क्या क्या करना है। इसको हम समराइज करते हैं, पहला आपको फॉर्मल कपड़े पहन के जाना है, दूसरा डार्क एंड लाइट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और शूज और बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए। तो करना है गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो भी टाइम है वो आपको ग्रीट तो करना है, बट जाके आपको हैंडशेक नहीं करना है, जब वहां से आपको ऑफर किया जाए तब करना है। अब यहाँ पर देखिए बॉडी लैंग्वेज में क्या होता है, जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जब बात कर रहे हो एक इंसान मोबाइल चला रहा है, मैं जैसे ऐसे मोबाइल चला रहा हूँ, वो सामने वाला कोई मुझसे बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मैं सामने वाले में इंटरेस्टेड नहीं हूं। आपको एक चीज पता है ना, किसी की आंखों में देख के पता चल जाता है कि सामने वाला झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, आंखों से पहचान होती है ना झूठ सच की। तो वैसे ही जब आपका इंटरव्यू होता है और आप सामने वाले की आंखें में आंखें डाल के बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस में दिखते हैं, राइट, और आप सच बोल रहे होते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि सामने वाले को तो कम देख रहे होते हैं, साइड में ज्यादा देख रहे हैं, इधर देखेंगे उधर देखेंगे। कुछ लोग क्या करेंगे कि जैसे आप बैठे हुए हो मुझे एक चेयर चाहिए यहाँ पर, जैसे आप बैठे हुए हो, कुछ लोग क्या करेंगे अपनी टाई से खेलेंगे, कुछ लोग पैर को फेडल करेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे टेबल पर हाथ पांव चलाएंगे। फेडल करना यानी कि आप इंटरेस्टेड नहीं है, इन चीजों को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। अब देखेंगे ऑलवेज स्माइल स्टैंड अपराइट, मैम मुझे चेयर चाहिए इसके लिए, भगवान ने हमें कैसा गिफ्ट दिया है जो बड़ा कॉस्टली है बट फ्री है, क्या है स्माइल, वेरी गुड, क्या है स्माइल। जब आप किसी के साथ स्माइल से मिलते हो तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है ना, जैसे कोई फ्रेंड स्माइल कर रहा है और आप जाके उससे मिल रहे हो तो आपके फेस पर भी स्माइल आ जाती है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप उस फ्रेंड से ज्यादा मिलना चाहते हो जो हमेशा रोता रहता है, ऐसे लोगों से मिलना चाहते हो आप, नहीं आप दूर रहना चाहते हो। तो स्माइल एक ऐसी चीज है जो पॉजिटिविटी की निशानी है, तो जब भी आप उनसे मिलते हो तो आपको कैसे मिलना है, स्माइल के साथ। अब हम क्या करने वाले हैं, एक लाइव इंटरव्यू करने वाले हैं, ठीक है,